तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल पोके अल्ट्राडी। तो यार गाइस, मुझे पता है काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। सॉरी। एंड आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कुछ बुद्धू पोकेमोन से रिलेटेड। क्या बोला तूने? तो ये रहे लास्ट वीडियो के पोके क्विज के विनर्स, एंड सिर्फ तीन ही बंदों ने आंसर दिया है, तो ज्यादा मुश्किल पूछ लिया था क्या मैंने। तो इस वीडियो में भी पोके क्विज है, एंड विनर बनने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना होगा। तो अब बिना किसी टाइम पास के चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, स्लोपोक। ये पोकेमोन कांटो रीजन से बिलोंग करता है और इसकी टाइपिंग है वाटर और साइकिक। वैसे तो इसने हमें अपनी शक्ल और नाम से ही बता दिया है कि ये बहुत ही बड़ा डम पोकेमोन है। वैसे एक बार तुम इसकी पोकेडेक्स एंट्री पढ़ो। एग्जाम्पल में जैसे कोई इंसान इसकी पूंछ पर पैर रखकर चला गया, तो उसके 5 सेकंड बाद इसे पता चलेगा कि इसकी पूंछ पर किसी ने पैर रखा है। ऐसा भी माना जाता है कि जब स्लोपोक यॉन करता है तब बारिश आती है, जो कि आपने एनिमे में भी देखा होगा। और अगर बात की जाए इसके बेस स्टैट्स की तो वो ठीक ठाक ही है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम है। नंबर 4, साइडक। तो वैसे तो इस पोकेमोन ने हमें एनिमे में बहुत ही ज्यादा हंसाया और मेरा इस वीडियो में इसे लेने का मन नहीं था, बट ही इज अ डम। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एंड या सारे साइडक डम नहीं होते, सिर्फ मिस्टी का साइडक ही कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। साइडक वाटर टाइप होता है, फिर भी मिस्टी के साइडक को तैरना ही नहीं आता। एंड इसके बेस स्टैट्स भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो यार, जिस साइडक ने हमें इतना हंसाया और पोकेमोन को भी इंटरेस्टिंग बनाया, उसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो गाइस, ये रहा आज का पोके क्विज, एंड अगर आपको शाउट आउट चाहिए तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। नंबर 3, बिडूफ। अभी मजा आएगा ना बिडूफ। तो इस पोकेमोन में ऐसी कुछ भी खास बात नहीं है, बस इसकी चैरी जैसी नाक है और इसके लंबे लंबे दांत हैं। और जहां तक बात है इसके बेस स्टैट्स की, तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो अगर तुम इसे गेम में कभी पकड़ते हो तो बस इसे फर्स्ट जिम तक ही रखना, उसके बाद इसे अपना पीसी में डाल देना। एंड ये भी एक तरह का डम पोकेमोन ही है। कौन है ये जो मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहा है? अरे महान बिडूफ, आप यहाँ पर हमारे छोटे से चैनल पर, आपका स्वागत है, आ जाइए। लेकिन यहाँ पर तो कोई मेरी बहुत ही ज्यादा बुराई कर रहा है। अरे अल्ट्राडी तो पागल है, कुछ भी बोलता रहता है। अबे साले, शैडो अब चला जाए यहाँ से, मुझे वीडियो बनाने दे। नंबर 2, फीबास। फीबास होएन रीजन का एक वाटर टाइप पोकेमोन है, एंड तुम इसे मैजिक आप का छोटा भाई भी कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही मछलियां हैं। इन दोनों के बेस स्टैट्स भी एक ही जैसे हैं और इनकी शक्ल भी सेम है, बट तुम इसे पकड़ सकते हो क्योंकि बाद में जाकर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल पोकेमोन माइलोटिक में इवॉल्व होता है। लेकिन जब तक ये माइलोटिक नहीं बनता तुम इसे झेलना होगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा। नंबर 1, मैजिकार्प। तो जिस पोकेमोन के लिए सब पागल है, जिसके सामने आने से आर्कियस भी डरता है, इस पोकेमोन का शाइनी मिल जाए तो लोग उछल कूद करने लगते हैं। द ग्रेटेस्ट पोकेमोन ऑफ ऑल टाइम, मैजिकार्प, द गॉड पोकेमोन। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं मैजिकार्प के बारे में ऐसी बातें करने वाला हूँ, तो नहीं भाई, मैजिकार्प कोई गॉड नहीं है, ये सिर्फ एक डम पोकेमोन है। वैसे तो मैंने फीबास के टाइम पे इसकी काफी बुराई कर दी थी, पर थोड़ी बहुत और कर देते हैं। अरे नहीं, ये तो मैजिकार्प है। अरे ये क्या करने वाला है? तो गाइस, यही थी हमारी वीडियो, एंड इसे बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ऐसे ही लेटेस्ट पोकेमोन वीडियोस के लिए। और हमें 400 सब्सक्राइबर्स भी जल्दी से करने हैं। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, एंड बाय बाय। We'll be right back.